तो भाई ये है अपने पास S24 अल्ट्रा, ठीक है। तो आज भाई दूध का दूध और पानी का पानी करना जा रहा हूँ मैं। जो भी आप मतलब ऐड देख के फ़ोन ख़रीदने की सोचते हो ना, वो बिल्कुल भाई मत ख़रीदना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने पूरा कर रखा 200 मेगापिक्सल, ठीक है भाई, पूरा 200 पे कर रखा सेट, और यहाँ पर फुल, ठीक है भाई, ये पूरी फुल सेटिंग है। अब देखो मैं इसकी 200 मेगापिक्सल पे भाई जाता है 10x पे, जहाँ की अभी इसमें कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं। और हवा से मतलब फ़ोन हवा से भी हिल रहा है, तो हाथ से तो क्या आप कर पाएंगे, हाथ से तो कोई फ़ोटो खींच ही नहीं सकते। स्टैंड पे लगा हुआ है तब भी भाई हिल रही है। तो इसके बाद इसमें और ज़्यादा जूम नहीं हो सकती, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, ये इस तरीके से। और भाई ये काम जो हो रहा है वो उधर वो वहाँ पर हो गया, वो टंकी पे। तो इससे मैं दिखा सकता हूँ आपको कितना पास था, इतना तो इससे भी दिख रहा है, बाकी फ़ोन में कैसा दिख रहा है वो ये देख लो। अब मैं करता हूँ इसको 50 मेगापिक्सल पे, ठीक है। तो 50 मेगापिक्सल पे देखते हैं कितनी जाएगी भाई। 50 मेगापिक्सल पे भी 10x जूम जा रही है। और अब हम करते हैं 12 मेगापिक्सल पे, 12 पता नहीं मेगापिक्सल है क्या है भाई इसका पता नहीं, मगर 12 पे है। हाँ 200 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल से खींचो, 12 मेगापिक्सल से खींचेंगे। तो देखो 12 से मैं करता हूँ तो जा रही है भाई पूरी 100 तक। तो यार इसके मैं दांत देख सकता हूँ 30 पे, ये बंदे किस तरीके से खड़े हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल आराम से दिख रहा है। और इसको थोड़ा और मतलब जूम लेके जाते हैं, यानी कि 100x लेके जाते हैं, तो 100x पे क्या होगा वही देखना, ठीक है। तो बस 100x पे कोई ख़ास भाई फोकस ही नहीं कर पा रहा है, तो भाई कुछ समझ नहीं आता हमें इसका कि मतलब 100x पे भाई फ़ोटो खींच लो, चांद का खींच लो, चांद का खींच लें वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, चांद तो आ ही जाएगा, मगर दिक्कत तो इस बात की ना कि चांद का खींचे कि अब ये वाले चांद तो इसमें नज़र ही नहीं आ रहे ना, ये जो चांद यहाँ आराम से काम कर रहे हैं ये वाले तो नज़र ही नहीं आ रहे। जब ये नज़र ही नहीं आ रहे इनका, देखो फेस का पता ही नहीं चल रहा है, बस ये चल रहा है कि हाँ कोई कलवा का लौंडा बैठा। तो अब हम इसको लेके चलते हैं 30x पे, तो 30x पे भी 30x पे पहचान हो सकती है इनके मुंह की, बाकी कुछ पता नहीं। तो अब हम देखो इसको वीडियो में देखें कितने पे कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में यहाँ फ्लैश जल रही थी, इसको कर देता हूँ ऑफ, और यहाँ पर हम करेंगे 8K 30 FPS, ठीक है। तो यहाँ पर भाई 8K में वीडियो बनाएगी, और 8K में वीडियो जो भाई 5x जाएगी, और इसकी वीडियो में भाई क्या था क्या सीन है, कुछ नहीं है यार, 5x तक जा रही है बस। 8K में तुम्हारी वीडियो 5x जाएगी, तो क्या फ़ायदा आप देख लेते हैं। फुल HD यानी कि 4K और 30 FPS, ठीक है। तो 4K में हमारी वीडियो जाएगी 20x तक। यार ये समझ नहीं आता, 100x का कोई मसला है कुछ है ही नहीं। देखो 20x पे जब इतना दिख रहा था, 30x पे आप कुछ समझ लो, तो यार 100x का क्या सीन है, बहुत साला कुछ फेक है बिल्कुल, वो तो समझ में नहीं आता, बिल्कुल फेक ही लग रहा है यार। जब 20x पे इतना आता तो 20 का आप डबल कर लो तो कहाँ आ जाएगा, देखना ये लो 20 मतलब 10x, और फिर भाई 20x का इतना, तो यार ये 100x कैसा है कुछ समझ ही नहीं आता। ये देखो भाई सूरत ही खाली इसने, ये खा रहा है कुछ आराम से साफ दिख रहा है। तो फुल HD में बननी है मैं, यानी कि 4K में 30 FPS में। पैसे वेस्ट हैं कुछ, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा है। हवाबाजी मेरी समझ में नहीं आती भाई, कुछ कोई मसला है ही नहीं इसका, तो कोई रोल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसा जो हमने फ़ोटो वोटो क्लिक किए हैं इनके, ये तो वीडियो बना ली, और ये भी वीडियो है,
फोटो क्लिक करके दिखाता हूँ एक आपको, 30 FPS पे। देखो मैंने 30 पे भाई फोटो खींच लिया, अभी इसको क्लियर कर रहा है। ये कोई मतलब चीज होती है उसको बस आपके कपड़ों को क्लियर कर सकता है, फेस को नहीं क्लियर कर सकता। ये देखो ठीक है, अब 20 मैंने 30x पे खींचा ही फोटो और भाई ये 20x की वीडियो चल रही है। तो भाई यार ये देख लो यार, ये चीज है रियलिटी। मेरे समझ में तो आता नहीं क्या है स्क्रीन इसका मसला, हम आई पैसे खराब कर रहे हैं।